Hello students, welcome to Shiv-D EduHub classes. This is Akanksha and today we are going to start a new topic of the chapter biological classification, जो कि आपका क्या है आर्कीबैक्टीरिया. ठीक है, हम लोग किंगडम ओनेरा स्टार्ट कर दिया था हमने, हम वो पढ़ रहे थे. हमने यू बैक्टीरिया पढ़ लिया, साइनोबैक्टीरिया पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, किस तरीके से बाकी बैक्टीरिया से वो डिफर होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके आर्कीबैक्टीरिया है ये क्या है, आपके एंशिएंट बैक्टीरिया होता है. एंशिएंट का मतलब क्या है, आपके जो बहुत ही पुराने समय से अभी तक सराइव कर रहे हैं. ठीक है, तो इनको एक तरीके से ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है. ठीक है, जो कि बहुत ही पुराने, जब से आपकी लाइफ स्टार्ट हुई तब से लेकर अभी तक ये इसी फॉर्म में जो है सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपके हर ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे आपका बहुत ज़्यादा, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एसिडिटी होती है, मतलब एसिडिक कंडीशन होती है, एंड बहुत ज़्यादा आपकी क्या होता है सैलिनिटी होती है, वहाँ तक भी ये सर्वाइव करते हैं. मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी अदर लाइफ फॉर्म जो है वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर आपके आर्कीबैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हो गया, ये एंशिएंट बैक्टीरिया हैं और इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स जो है वो कहा जाता है. देन ये कैसे होते हैं, आपके ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, जो कि आपकी एनारोबिक होते हैं, मतलब जो कि आपके ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद भी हमने ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव दो वर्ड पढ़े थे. ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब स्ट्रिक्ट वहाँ पर कंडीशन क्या चाहिए कि एनारोबिक होना चाहिए, एंड फैकल्टेटिव में तो ये है कि वो एनारोबिक है लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी वो सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, तो ये कैसे हैं आपके ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, जो कि स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सर्वाइव करते हैं. ठीक है, देन सेल वॉल और क्योंकि एकदम कंपोजिशन की बात करते हैं, सबसे पहले सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात होती है. तो इसका इनके जो सेल वॉल होती है वो बाकी बैक्टीरिया से डिफर करती है. बाकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल जो है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स की जो मिक्सचर होती है. ठीक है, तो ये इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्पेशली उनकी जो मेम्ब्रेन है. ठीक है, क्योंकि जब ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो आउटर कवरिंग, जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी, तभी वो उनको इस तरीके से वो कैपेबल हैं कि वो सर्वाइव कर पा रहे हैं. ठीक है, तो आपकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स एंड कॉम्प्लेक्स आपकी पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है. ठीक है, बाकी जो नॉर्मल प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो आपके आर्कीबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है. देन आपके क्या है ये सेल मेम्ब्रेन, ये भी आपकी हाईली कॉम्प्लेक्स होती है. बाकी जितने भी सेल्स होती हैं सबकी सेल मेम्ब्रेन जो है यूनाइट मेम्ब्रेन होती है, एक सिंगल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का भी. देन इन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं उनके होमोलोगस होते हैं स्ट्रक्चर में. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है उन्हें हम आगे पढ़ेंगे. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके डीएनए के साथ कंबाइन होकर के न्यूक्लियोसोम या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से क्रोमेटिन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल जो बैक्टीरिया हैं, जैसे आपके यू बैक्टीरिया या फिर आपके साइनोबैक्टीरिया, उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, इसके अंदर भी एग्जैक्ट आपके हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, लेकिन उनके जैसा होमोलोगस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स का. ठीक है, तो ये भी आपके सभी आर्कीबैक्टीरिया में नहीं होता है, कुछ ही आर्कीबैक्टीरिया में होता है. जैसे आप एग्जांपल दे रखे हैं थर्मोकोकस में, मिथेनोकोकस में एंड मिथेनोबैक्टीरियम. ठीक है, तो इन तीनों में क्या होता है, आपका ये प्रेजेंट होता है हिस्टोन, जो आपका कोर हिस्टोन प्रोटीन है उसका होमोलोगस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो कुछ स्पेशल फीचर्स हो गए आर्कीबैक्टीरिया के, जो कि इसको डिफर करते हैं किससे, बाकी अदर बैक्टीरिया से. ठीक है, देन इसके बाद इसके अंदर ये तीन कैटेगरी को इंक्लूड करते हैं स्पेसिफिकली, आपकी मेथेनोजेंस होते हैं, हैलोफाइल्स होते हैं एंड थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं. ठीक है, तो मेथेनोजेंस नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है, मेथेनोजेंस मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके या फिर उसको ख़त्म करके. ठीक है, तो वो प्रोसेस जिससे ये जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसको मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन. ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, मीथेन में कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को. ठीक है, उसके अलावा क्या करते हैं, ये कन्वर्ट CO2 ऑफ मार्शी एरिया इनटू मीथेन. ठीक है, अब क्या है आपका मार्शी एरिया में आपके प्रेजेंट होते हैं. मार्शी एरिया में क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो एनारोबिक कंडीशन होगी, तो वहाँ पर ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. तो वहाँ पर क्या होगा, आपका ये जो CO2 प्रेजेंट होती है उसको मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए आपकी मीथेन जो है मार्शी एरिया में प्रोड्यूस होती है. तो मीथेन को मार्शी गैस भी कहते हैं, मार्श गैस भी कहते हैं. ठीक है, तो मीथेन का एक और नाम मार्श गैस इसीलिए वो कहा जाता है क्योंकि ये मार्शी एरिया में प्रोड्यूस होती है बाय मीथेनोजेंस। ठीक है, देन उसके अलावा एक तो CO2 को ये कन्वर्ट कर रहे हैं मार्शी एरिया में, देन उसके अलावा ये क्या करते हैं, कन्वर्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन काउ डंग। जो काउ डंग होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी क्या करते हैं, ये CH4 में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, आप लोगों ने सभी ने गोबर गैस प्लांट के बारे में सुना ही होगा। गोबर गैस प्लांट में क्या होता है, जो भी काउ डंग होता है या फिर जो भी ऐसी वेजिटेबल पील्स और जो आपके डेड प्लांट्स होते हैं, प्लांट पार्ट्स होते हैं, उनको भी क्या करते हैं उसके अंदर डालते हैं। एक आपका टैंक टाइप का होता है, वो कम्प्लीटली आपका एनारोबिक होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और क्या करते हैं उसको जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस मीथेन को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको एज अ फ्यूल जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये गोबर गैस प्लांट भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो वो गोबर गैस के प्लांट के अंदर जो आपका मेनली वर्क कर रहे हैं वो आपके मीथेनोजेंस ही होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों काम को करने के लिए कौन से मीथेनोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोमाइक्रोबियम, मेथेनोकोकस, ये तीनों ही आपके जो हैं इन दोनों काम के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो CO2 को करते हैं मार्शी एरिया में मीथेन में कन्वर्ट, एंड उसके बाद काउडंग या फिर जो भी आपके डेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको भी CH4 में कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद ये जो मीथेनोजेंस हैं ये आपके जो आपके कैटल्स होते हैं उनके ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन क्या है, आपका इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, तो उसके अंदर भी आपके मीथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं ये, क्योंकि ये जो कैटल्स होते हैं, ये कैटल्स जो हैं वो आपके क्या खाते हैं, प्लांट को खाते हैं। ठीक है, प्लांट लीव्स को खाते हैं, तो उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो उस सेलुलोज को ये डाइजेस्ट करते हैं और उसको फिर मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि काउडंग के अंदर मीथेन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो और जो बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको स्पेशली बोला जाता है रूमेनोकोकस, क्योंकि ये रूमेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके मीथेनोजेंस हो गए जो कि स्पेशली आपका मीथेन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, देन इसके बाद है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो है वो आपकी एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉल्टी एरिया मतलब जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है उस कंडी वहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं आपके हेलोफाइल्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है एक पर्पल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं, मतलब इनके ऊपर एक पर्पल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस मेम्ब्रेन का कलर पर्पल इसलिए है क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट है, वो पिगमेंट क्या है आपका बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ठीक है, जो पर्पल कलर की मेम्ब्रेन है इस जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर प्रेजेंट है, सराउंडेड है ये बैक्टीरिया पूरा इस मेम्ब्रेन से। इस मेम्ब्रेन के अंदर बैक्टीरियोरोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर क्या करता है, वो डायरेक्टली ATP सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपके डायरेक्टली ATP सिंथेसिस कर रहे हैं। बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे आपके प्लांट्स हो गए और फिर बाकी बैक्टीरियाज हो गए, वो क्या करते हैं जो सनलाइट है उसको यूज़ करके क्या करते हैं, उसका CO2 को कंज्यूम करके उसको रिड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करते हैं फूड फॉर्म करते हैं, देन उस फूड को डिग्रेड करके ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नाम की कोई प्रोसेस नहीं करते हैं और ना ही इनके अंदर कोई फूड फॉर्मेशन होता है। इनके अंदर डायरेक्टली आपका क्या होता है ATP फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको नॉन फोटोसिंथेटिक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रहे हैं, ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं ब्राइट लाइट को यूज़ करके उसको ATP में उसी से क्या कर रहे हैं ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों कंज्यूम कर पा रहे हैं, इनके पास जो पिगमेंट होता है वो है बैक्टीरियोरोडोप्सिन जो कि इनकी पर्पल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इनके पास स्पेशल फीचर होता है। देन इसके बाद आपके होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब आपके थर्मो का मतलब टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर के में सर्वाइव कर सकते हैं, एंड एसिडोफाइल्स मतलब जो एसिडिक मीडियम के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए 80 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को पे, मतलब जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं मोस्टली बैक्टीरिया 80 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, एंड pH जो है मतलब एसिडिक मीडियम जो है वो कितना हो सकता है आपका pH लेवल 2 pH लेवल तक का आपका एसिडिक मीडियम हो सकता है, उसको भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके पास कैरेक्टरिस्टिक है कि ये थर्मोएसिडोफाइल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक मीडियम में सर्वाइव कर सकते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, जहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और सल्फर स्प्रिंग नाम है उससे क्लियर हो रहा है कि एसिडिक मीडियम भी होगा वहाँ पर। देन उसके बाद कुछ बैक्टीरियल में ऐसे भी होते हैं जो कि 100 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। 80 डिग्री पर तो नॉर्मली सभी कर जाते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। देन उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस तक भी कुछ बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके हिमालयन रीजन में। आपका क्या प्रेजेंट है? आपका हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स प्रेजेंट होते हैं हिमालयन रीजन, जहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज हो गई हैं आपकी आर्कीबैक्टीरिया की, कि मतलब इन ग्रुप्स को ये इंक्लूड करते हैं अपने अंदर। आर्कीबैक्टीरिया, इनके अंदर सारे वही बैक्टीरिया हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं ना। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि डीप मैरीन सेडिमेंट्स में भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उन्हें? बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स, जो कि कहाँ रह सकते हैं? आपकी डीप मैरीन सेडिमेंट्स, ठीक है। तो ज़्यादा नीचे तो कोई भी, अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो ज़्यादा नीचे जो कि डीप मरीन होता है वहाँ पर भी कई सारे एनिमल्स या प्लांट जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि वहाँ ना तो सनलाइट आती है, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है आपका कंडीशन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती सर्वाइवल के लिए। लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया हैं जो सर्वाइव करते हैं, वो आपके आर्कीबैक्टीरिया कहलाते हैं। उनको हम बोलते हैं बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सो इन इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं और कौन कौन से आर्कीबैक्टीरिया जो है प्रेजेंट हैं, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसमें हम हार्मफुल इफेक्ट्स प्लस यूजफुल जो एक्टिविटीज़ हैं उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हार्म करते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं।